अयोध्या धर्म नगरी दर्शन के लिए आस्था ट्रेन से राम भक्तों का जत्था रवाना हुआ। दुर्ग लोकसभा के राम भक्तों का जत्था आज सवेरे रवाना हुआ। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब देश भर से अयोध्या धर्म नगरी राम मंदिर दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में जाते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन में बड़ी संख्या में राम भक्त रवाना हुए। इस दौरान उनकी खुशी और जाने की ललक देखते ही बन रही थी। दुर्ग से निकली पहली ट्रेन में करीब 1400 लोगों ने अयोध्या दर्शन का लाभ उठाया था। इसके बाद फिर से सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मंदिर दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। इस दौरान जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी ने अपनी खुशी व्यक्त की। सब आप सभी को विदित है कि 7 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन की पहली दुर्ग संभाग की ट्रेन निकली थी और इस ट्रेन में लगभग 1400 से अधिक राम भक्त यहां से निकले थे। पुनः इस बार ये आज की तारीख में राम भक्तों की टोली वापस अयोध्या के दर्शन की ओर जा रही है। बहुत आस्था का बहुत बड़ा हमारे लिए बोला जाता है एक सुखद एहसास है कि प्रभु श्री राम का दर्शन हेतु हम सभी आज जा रहे हैं। लगभग 500 वर्षों के इतिहास के बाद आज हम ही और मेरे साथ ये जो ट्रेन में राम भक्त जा रहे हैं लगभग सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करेंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि हर हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम के दर्शन को वो अयोध्या पहुंचे और इन सब का श्रेय जाता तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व में और आज हमारे सनातन को वो अपने इच्छा शक्ति के बदौलत लेके चल रहे हैं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।